नमस्कार, मैं हूँ तेज साहू। द लोक मीडिया जो है पहुंची है मरवाही में। मरवाही विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है और आज हम जो है सधवानी ग्राम पंचायत है और यहाँ पे जो है नरवाही माता का मंदिर है। मंदिर से जुड़ी जो रोचक तथ्य यहाँ पे हम रुके और जो है बातें हुई लखन बाबा से और बहुत रोचक जानकारी मिली कि नरवाही का जो संधि विच्छेद होता है, कैसे नामकरण होता है, मंदिर के बारे में हम जानेंगे। ये मंदिर जो है तो कुछ ही वर्ष 2008 में इसका स्थापना किया जा रहा है और यह जो है तो कई वर्ष पूर्व जो है तो यह नरवाही में जो है तो कोई व्यक्ति यहाँ नहीं था। जिस समय में यह घनघोर जंगल था, घनघोर जंगल रहने में कुछ अत्याचारियों के कारण यहाँ के जो है तो गांव जो है तो विनाश की ओर चला गया, जिसमें 300 से करीब ऊपर घड़े यहाँ दिखाई दिए और यहाँ कोई महिलाएं नहीं थी और यहाँ आग लग गया। आग लगने के पश्चात यह पूरी तरीके से बस्तियाँ जो है तो नष्ट हो चुकी थी। पुनः यहाँ आवागमन हुआ ब्रिटिश सरकार ने, जब फिर यहाँ आवागमन के तहत यह देवी जो है तो अपनी परछाइयों के द्वारा लोगों को जानकारी दिया और वह जानकारी के अनुसार में यह अपने आसपास के लोगों को यानी कि छत्र छाया में रखा हुआ है। जो भी यहाँ आते हैं अपनी मनोकामना को लेकर के उनकी मनोकामना जो है तो पूर्ण होता है और उन्होंने ही अपने सहयोग राशियों से जो है तो यह मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। नामकरण को लेकर जब बात होती है माता, जब नामकरण की बात होती है तो इसको नरवाहन यानी कि जितने नारियां हैं उनको, यानी कि यह पीपल की जो झाड़ है वहीं एक कुआं था जिसमें यानी कि उनको समाप्ति कर दिया उस माँ ने, जिसके कारण उनका नाम नरवाही माता पड़ा, नहीं तो ये डोकरी दाई खैर माता बूढ़ी माई हैं। चलिए, हमें जो जानकारी मिली है कि नामकरण को लेकर ग्रामीण अंचलों में और अलग अलग जो है हिस्सों में अपनी एक कहानियाँ होती है। आज हम जो है एक ऐसे ग्राम पंचायत में है जहाँ पे नरवाही माता बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं। यहाँ के पुजारी है, बाबा जी का मंदिर है, पीछे में दुर्गा माँ के है, बगल से बूढ़ी माता के है, नर्मदा मैया जी के भी है, दुर्पता माता के है, शारदा माता के भी है स्थान जी। कौन कौन से विशेष पर्व में और कैसे मेला वगैरह क्या कुछ रहता है? महाशिवरात्रि में मेला रहता है, चैत नवरात्रि में रहता है, कुंवार के नवरात्रि में रहता है मेला, जोत जलता है। यहाँ पे धुनी को लेकर भी मैंने देखा, धुनी का जो है क्या उल्लेख? धुनी जो है तो यहाँ का जो स्थाई जो बाबा रहता है वह धुनी उन्हीं का है, उन्हीं से मनोकामना का जो है तो प्रसादी वितरण होता है। जो यहाँ से बाबा के द्वारा मनोकामना के लिए प्रसादी लेकर के जाते हैं तो वह उनको प्रसादी वही उनका मनोकामना को पूर्ण करता है, इसलिए वह धुनी को रखा गया। यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, रास्ता रूट कैसे होगा? यहाँ का रूट रेलवे ट्रेन से अगर जो सफ़र करेगा और आएगा वह खोडरी स्टेशन अथवा पेंड्रा रोड स्टेशन पे उतर करके सधवानी के मुख्य मार्ग को आना होगा, जो कि बिलासपुर से पेंड्रा मरवाही के लिए यह मुख्य मार्ग है। सधवानी ग्राम पंचायत है और यहाँ पे नरवाही माता का मंदिर है। आज हम दीपक सस्ती जी और हम जो है चुनावी यात्रा के दौरान ये जो जगह हमें मिली और लगा कि अब तक भी वो चीज़ें साझा की जानी चाहिए जो गांवों में जो है अपनी अलग जो है कहानियां होती है। हम आपको पूरी जो है कहानी द लोक मीडिया के माध्यम से चुनावी जो यात्रा है हमारी मरवाही उपचुनाव यात्रा के दौरान हमने जो स्पेशल स्टोरीज की है उसको हम दिखा रहे हैं।